हाय चक 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 हूँ मैं, हाय चक 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 है तू। छोले देख के आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं बना रही हूँ छोले, और यहाँ पे मेरा छोले ऑलमोस्ट बन गया है। मैंने इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी दिया है। मुझे बिल्कुल सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता, मुझे घुगनी भी होता है ना मटर का, वो थोड़ा पतला वाला अच्छा लगता है। तो इस पर मैंने थोड़ा सा पानी दिया है। अच्छे से उबाल आने तक ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। और भाई को मैंने बोला था छोले मसाला लाने के लिए, और वो लेके आया चना मसाला, पर अभी मुझे बनाना है तो मैंने इसी से काम चला लिया। बाकी तो इसमें मैंने वही एज यूजुअल जो धनिया जीरा पाउडर सब कुछ मैंने दिया था, और लास्ट में मैंने दे दिया कुरियंडर लीव्स और ढक के रख दिया। जब बाद में जब मैं सर्व करूँगी थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ भटूरे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैं पहले मैंने सोचा था कि पूरी बना लूँगी, देन मैंने सोचा कि चलो भटूरे ट्राई करते हैं, मैंने कभी नहीं बनाया। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी और नमक फिर दिया था, बेकिंग पाउडर जो खाने का होता है वो, और चाहिए खट्टा दही। तो ये जो है ना खट्टा दही, ये दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा कोई भी मिठाई की दुकान पे। उसके बाद में मैंने दिया था इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और ये देखिए सूजी है बड़े दाना वाला। अगर आपके पास छोटे दाने वाले हैं तो भी भिगा के दीजिएगा, और बड़े दाने वाले थे मेरे पास तो मैंने उसको भिगा के रख दिया था आधा घंटा पहले। और ये देखिए कितना अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी मैं इन सारे चीज़ों को एक साथ में अच्छे से मिक्स करूँगी। और पहले ना आप पानी मत दीजिएगा, ये आप एक नॉर्मल पानी अगर चाहिए तो नॉर्मल पानी से बनाइएगा। तो मैंने ना बिल्कुल थोड़ा सा पानी दिया है, उसके बाद में मैंने इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लिया है। और भटूरे का जो डो होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी टाइट मत बनाएगा। और उसको बहुत टाइम तक इसको मतलब अच्छे से दोनों हाथ से उसको मिक्स करना है ताकि अच्छे से फोमिंग होके आए। अगर आप आधा घंटा पहले भी बना के और उसके बाद में अगर भटूरा बनाना चाहते हैं तो भी बनेगा, पर जितना पहले आप बना के इसका डो रख देंगे उतना ही अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो बस मैंने जितना कोशिश किया जैसे हो पाया मुझसे जितना, और ये वाला जो स्लैब है मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था, देन मैंने इसमें रख के फिर इसका जो डो है वो प्रिपेयर किया है। ये 1 किलो आटा का डो है, तो आप समझ ही सकते हैं मेरे मतलब गमले में भी नहीं हो रहा था, मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने नीचे स्लैब में रख के फिर किया, देन मैंने एक कपड़े से ढक के रख दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ संजीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिव सिंपल विद संजीता। अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं बाल पूरे गीले हैं, तो थोड़ा धूप में खड़ी होती हूँ ताकि सूख जाए। अभी नहा के आई हूँ बस। परसों को क्या था है ना, उसके बाद शैम्पू नहीं किया, तो कल अच्छे से ऑयलिंग किया था, अभी अच्छे से शैम्पू कर लिया है। हमारे घर पे कोई आने वाला है, कोई मतलब क्या, मेरा जो देवर है भाई, तो उसके इन लॉज आने वाले हैं, पापा मम्मी पापा वही अंकल मौसी कोई आने वाले हैं, पता नहीं टोटल 6-7 जन होंगे, वो लोग आएंगे। ऐसे अभी तो बात फरवरी को शायद शादी होने की बात है, अभी देखते हैं क्या होता है। पर ऐसे वो लोग मतलब पहली बार होता है ना, एक छोटा सा गेट टुगेदर करने आ रहे हैं और कुछ नहीं, शादी कुछ अभी फाइनल नहीं होगा, बस छोटा सा एक गेट टुगेदर होगा। वो लोग भी नहीं आए और हम लोग गए थे एक बार, मैं मम्मी जी ये भाई, तो आज वो लोग आएंगे, बस थोड़ा सा मिलने एंड ऐसे नॉर्मली बात करने और कुछ नहीं। और जो भी बातें होंगी मैं आप लोग को बताऊँगी, और फरवरी को होने का बात है, अभी देखते क्या होता है, होगा कि नहीं। तो बाल पूरे गीले हैं ना, रियो भी सो रहा है, तो मैं सोची हूँ वो लोग निकल ही रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि चलो तब तक बाल थोड़ी सुखा लेती हूँ। बाकी सब कुछ हो चुका है और बहुत सुंदर हवा दे रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने पहनी ये वाला कुर्ता, ये वाली कुर्ती मेरे बर्थडे पे मिली थी मुझे, मेरी एक आंटी ने गिफ्ट किया था, तो बहुत दिनों बाद मैंने ये पहना, काफ़ी कूल सा है, अच्छा लगता है ये, मतलब तो लॉन्ग टाइप का है, नीचे अगर लेगिंग्स ना पहनो तो भी समझ में नहीं आता, फ्रॉक स्टाइल का है। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर का पोर्शन ऐसा है, ऐसे है और नीचे में ऐसे, ये दो पार्ट लगता है पर पार्ट नहीं, ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा लिपस्टिक दिया है,
तो चलिए वो लोग आते हैं तो मैं दिखाती हूँ, शायद उन लोग के सामने मैं वीडियो ना कर पाऊँ, और जितना हो पाएगा मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। और मैं ज़्यादा बिजी रहूँगी क्योंकि उन लोग वो लोग आने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। लाइक आप लोगों ने देखा होगा मैंने छोले बनाए हैं और साथ में बनाऊंगी भटूरे। पहले प्लान था कि पूरी बनाऊंगी, मतलब मैदे से जो बनाते हैं, उसके बाद में सोचा अगर पूरी बनाना है तो चलो भटूरे ट्राई करते हैं। मैंने पहले कभी नहीं बनाया और रेसिपी तो मैंने आप लोग को दिखाई है कैसे बनाते हैं, मतलब भटूरे की, तो देखते हैं कितना फूलता है, बस फूल जाए और कुछ नहीं। वैसे तो पूरी भी मेरा आटे का पूरी बनाती हूँ, वही इतना ज़्यादा गोल गोल फूलता है और ये तो फूलेगा ही। मैंने इसमें मैदा नहीं दिया है, हमारे यहाँ पे ना एक आटा मिलता है, पैकेट का नहीं, खुला वाला आटा मिलता है, बहुत ही अच्छा है, तो वो मैंने लिया है क्योंकि लास्ट कब मम्मी जी ने 1 किलो लाया था और काफ़ी अच्छा था खाने में भी, आटा है पर मैदे का फ्लेवर देता है, तो इस वजह से मैंने बस उसी से बनाया है। सूजी वगैरह देखा आप लोगों ने देखा ही होगा, तो देखते हैं कितना कैसा बनता है। तो वो लोग आने के बाद पहले चाय बिस्किट वगैरह देंगे, उसके बाद में तो मिठाई भी लाया है, रसगुल्ला और क्या वो जो लाल कलर का होता है, हम लोग तो लाल मोहन बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन, यस गुलाब जामुन और रसगुल्ले लाए हैं मिठाई में, और बाकी बाद में भटूरे और छोले। हाँ बोलो, আমি এই যে চুল শুকাতে আসছি বাবা, আমার চুলটা পুরো ভিজে না, এখন স্নান করলাম যে মাম্মা। আর প্রীত ভি ইয়াহা পে আ চুকা হ্যায়, প্রীত না বল রহা হ্যায় কি হাম লোগ নয়ে ঘর মে শিফট হো রহে হ্যায় না, তো প্রীত হ্যাঁ 30 দিসম্বর মে, তো প্রীত কো বিলকুল আচ্ছা নেই লাগ রহা হ্যায়, ও বল রহা হ্যায় হাম লোগ ইস ঘর কো ছোড় কে নেই জায়েঙ্গে, বাট উই হ্যাভ নো চয়েস না, হাম লোগ কো জানা হি পড়েগা। আর সবসে বুরা লাগ রহা হ্যায় প্রীত কে লিয়ে কিউকি উসকা স্কুল টিউশন কা ম্যাম সব ছুট জায়েগা, वहाँ पे भी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने इसके लिए ट्यूशन में ठीक कर लिया है। मम्मी जी को भी बहुत ख़राब लग रहा है, सबसे ज़्यादा ख़राब हमें लग रहा है प्रीत के लिए क्योंकि इसका स्कूल ट्यूशन का मैम सब बंद हो जाएगा। अरे मुझे तो क्या पता है इस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा, और ये बार बार क्या बोल रहे हैं पता है कि मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा। तो चलिए वो लोग आते हैं तो उसके बाद में मैं कितना शूट करवाऊंगी पता नहीं, क्योंकि सब कुछ तो मुझे ही करना है, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो भी आते हैं घर में, ये लोग नहीं जो भी आते हैं मेरे मायके वाले से हो या गेस्ट कोई भी फ्रेंड जो भी आता है सब मुझे ही करना पड़ता है, और ये शायद मुझे नहीं हर घर की बहुओं को ही करना पड़ता है, और स्पेशली जो बड़े हैं उनको तो ज़्यादा बर्डन है, उनको करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल 5-10 मिनट के लिए हम लोग ये वेदर इंजॉय करते हैं। हेलो तो आज बहुत दिनों बाद हमारा घर प्रॉपर तरीके से थोड़ा ठीक किया गया है, किचन भी क्लीन है, मम्मी जी अभी सो के उठी है इसलिए ब्लैंकेट खुला हुआ है, ब्लैंकेट खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमारे गेस्ट आ चुके हैं, टोटल 6 जन जैसे आए हैं, और मैंने ऑलरेडी उनके आने तक मैंने चाय चढ़ा दी थी कि उनको आते ही मैं चाय दे दूँगी, उसके बाद में फिर छोले भटूरे भी सर्व करना है। तो यहाँ पे देखिए भाई जाके उनको लेके आया है, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ उनको पहले चाय देने, तो बस मैंने मम्मी जी को पकड़ा दिया कि आप थोड़ा सा शूट करके दो क्योंकि मुझे ब्लॉग में डालना है, और आज मैं ये वाला ब्लॉग ही बना रही हूँ क्योंकि और कुछ है नहीं दिखाने को फ़िलहाल, तो मम्मी जी मुझे ये वाला जो है पार्ट शूट करके दे रही है। तो कभी कभी ना अगर घर वाले ऐसे थोड़ा हेल्प कर देते तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी जी ने काफ़ी अच्छा ही मतलब शूट किया है ये वाला जगह,
तो भाई भी मुझे बहुत हेल्प कर रहा था प्लेट्स लेके आने जाने में, वो भी दे रहा था। उसके बाद में फिर हम दोनों सब ने थोड़ा सा बात किया और मैं आ गई थी, मम्मी भी आ गई थी किचन में कि भटूरा चलो तेल देते हैं, और छोले भी मैंने गरम कर लिया था तब तक। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ छोले, मम्मी जी बना रही थी, मैं बेल रही थी, मम्मी जी तेल रही थी। तो मम्मी जी अभी गई है, मैंने ही भेजा कि आप जाकर थोड़ा सा बात करो, मेरा हो चुका है और प्लेट्स वगैरह भी वो निकाल रही है। तो मैं कुछ करती हूँ तो मम्मी जी दूसरा करती है। और यहाँ पे ना प्रीत ने मुझे थोड़ा सा केक खिला दिया था, मैंने देखा ही नहीं कि मेरे लिप्स पे लगा हुआ था। तो इन दोनों में से कौन है बोलिएगा, भाई की वुड बी वाइफ, मैंने दोनों को दिखाया, आप लोग गैस जरूर करना कि कौन है इन दोनों में से, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और ये है क्या भाई की ससुराल वाले, तो ये है भाई के ससुर, फादर इन लॉ। तो अभी सारे मेहमान चले गए हैं, मैं और मम्मी जी भी खाएंगे क्योंकि हम लोगों ने नहीं खाया। ये गया भाई छोला, तो ये गया मेरा, चलिए खाते हैं। पता नहीं मेरा चार्जर का प्लग खराब हो गया, केबल खराब हो गया, पता नहीं चल रहा है, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, पर उसी मोबाइल से मम्मी का मोबाइल चार्ज हो रहा है, क्या पता नहीं। तो चलिए बहुत लगी है भूख क्योंकि सुबह से दौड़ भाग चल रहे हैं और शाम को भी, आस्ते आस्ते पापा आस्ते आस्ते, तो चलिए अभी हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं खाने बैठ गई हूँ और लाइट ना एक्चुअली एक ही जला हुआ है, दो जला रहता है तो और थोड़ा ब्राइटनेस रहता, पर मैं भूल गई लाइट ऑन करना। तो चलिए होता है, इसलिए मैं रात में शूट नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा काला काला लगता है, वैसे भी कैमरा का क्वालिटी भी मेरा इतना अच्छा नहीं है मोबाइल का। देन मैं आ गई थी अपनी बेड को ठीक करने क्योंकि अभी सोने का टाइम हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फटाफट से रियो को सुलाऊंगी, देन मैं भी सो जाऊंगी। काफ़ी दिनों से बैक पेन काफ़ी है मुझे विंटर के वजह से, या रात में जो रियो को ब्रेस्टफीड कराती हूँ उसके वजह से पता नहीं चल रहा है। तो चलिए ये वाला ब्लॉग में ही तक रखती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब मेरे चैनल, और आजकल तो काफ़ी कम व्यूज़ आने लगे हैं और कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करता, पता नहीं क्यों, रीज़न भी मुझे नहीं पता चल रहा है, पर इट्स ओके। मैं अभी इन सब में ज़्यादा फोकस नहीं कर रही क्योंकि अभी मुझे सामने अपना चेंज करना है रूम, तो इस वजह से काफ़ी टेंशन होती है, बहुत कुछ होता है घर में देखने के लिए, आप लोगों को पता ही होगा। फिर भी अगर हो पाए आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना, मैं आप लोगों के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, जितना हो पाए आप लोग इसे ज़रूर करिएगा, और अच्छी लगे तो एक लाइक करना, ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपनों के साथ रहिए और जितना हो सके अच्छा टाइम स्पेंड करिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, किसी को हर्ट मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।